नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने धार जिले में दंड संहिता की धारा 1973 की धारा 144 अधीन जिले में प्रतिबंधित आदेश जारी किए गए। जिले में सभी विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष भय मुक्त माहौल एवं अच्छे वातावरण में चुनाव कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज कलेक्टर मिश्रा एवं एसपी मनोज कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले मैसेज, फोटो, वीडियो पोस्ट नहीं करेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्ट को कमेंट करेगा और न ही फॉरवर्ड करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। माननीय निर्वाचन आयोग ने कल चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है और हम सभी लोग, पूरी हमारी टीम चुनाव की, सभी हमारे सातों विधानसभाओं की पूरी पूरी टीम अब एक्टिव हो चुकी है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए निरंतर कार्रवाई चल रही है। अभी पिछले ही दिनों में एक सिकलीगढ़ को लेकर के बहुत ही इफेक्टिव कार्रवाई हमारे ज़िले में की गई एसपी साहब के मार्गदर्शन में, और भयमुक्त प्रलोभन मुक्त निर्वाचन संपन्न हो इस दिशा में जो भी आवश्यक कदम है उसके उठाए जाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। और मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है कि 17 तारीख की समस्त जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि धार संपूर्ण जिले का चुनाव निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, ट्रांसपेरेंट हो और पारदर्शी के साथ साथ एक ऐसा माहौल बने ताकि आम जनता फ्री होकर के, भयमुक्त होकर के अपना मतदान में पूर्ण रूप से जाके कर सके, ऐसा माहौल बनाने का पूरा प्रयास करें। एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थता के साथ साथ भयमुक्त वातावरण रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम लोगों ने ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करने का प्रयास कर दिया है, चाहे वो कोई भी हो, जिसके खिलाफ हमको 116 करना हो, किसी भी तरह का प्रिवेंटिव मेजर लेना है, हम सख्त निर्णय लेकर के कार्रवाई करेंगे। बिना सोचे समझे उसको एक फॉरवर्ड करने की अपनी मंशा होती है कि चलो दूसरों को भी दिखाएं। कई बार ये भी हो सकता है कि हमको पता हो कि ये गलत है, लेकिन हम दूसरों को इस चीज के लिए फॉरवर्ड करते हो कि ये गलत है, देखो ये गलत चीज भी चल रही है। लेकिन क्योंकि मीडिया के बहुत से ग्रुप्स हैं और उसमें कई लोग एडमिन रहते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि धारा 144 सोशल मीडिया के ऊपर भी लागू होती है, हम लोगों ने जारी की है, और उसमें ग्रुप्स के एडमिन के ऊपर और जो ग्रुप सर्कुलेट किए जाते हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स होती है, जो कि आईटी एक्ट के तहत गवर्न होता है, साइबर क्राइम के तहत गवर्न होता है। मेरा ऐसा मानना है कि धार एक, इसको कहने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि धार में एक संवेदनशीलता हमें रखनी आवश्यक रहती है हमेशा ही। आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी न्यूज़ कैरी करने से पहले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसको वेरीफाई जरूर कराएं, उसको एक बार चेक जरूर कराएं और उसमें उसको संज्ञान में जरूर लाएं, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। धार से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।